हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक से ज्यादा पेजेस को एक साथ कैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए यदि यहाँ पर तीन पेजेस दिए हुए हैं तो हम अगर तीनों पेजेस को एक साथ देखना चाहें तो वो हम कैसे देखेंगे, आज के इस वीडियो में जानेंगे। बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर इससे पहले भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल तीन पेजेस हमने लिए हुए हैं। ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पेजेस। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जब नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं तब ये पेजेस हमको दिखाई पड़ रहे हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं कि तीनों पेजेस एक साथ यहाँ सामने दिखाई पड़े तो उसके लिए हमको जाना है ऊपर के रिबन में, व्यू टैब में। ये रहा व्यू टैब, इस पर क्लिक कर दीजिए तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसके जस्ट नीचे देखिए, यहाँ पर है मल्टीपल पेजेस, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए तीनों पेजेस साइड बाय साइड यहाँ पर आ गए।